चीटिंग तो हुई है पक्का सबूत नंबर वन आपको दे रहा हूँ। नीट रिजल्ट 2024 की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, लेकिन क्यों? चलिए पहले समझते हैं नीट एग्जाम के बारे में। ये एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जो देश भर में NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। 720 मार्क्स वाले इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जैसे एम्स में एडमिशन मिलता है। अब नीट 2024 के रिजल्ट को स्कैम क्यों कहा जा रहा है, चलिए समझते हैं। पहला रीजन कि एग्जाम का रिजल्ट डिसाइडेड डेट से 10 दिन पहले 4 जून को यानी इलेक्शन डेट को रिलीज किया गया। दूसरा, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की हिस्ट्री में पहली बार 67 बच्चों के 720 मार्क्स आए हैं, जिनमें से 6 से 7 टॉपर एक ही सीरियल नंबर के हैं। NTA ने पहली बार ग्रेस मार्क्स दिए हैं, इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स के इम्पॉसिबल मार्क्स 718 भी आए हैं। हालांकि ग्रेस मार्किंग देने के क्राइटेरिया में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा कई स्टेट्स में पेपर लीक होने के भी मामले सामने आए हैं। NTA के इन इरेगुलरिटीज की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े नाम स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए हैं और री एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे स्कैम्स भारत के सुनहरे भविष्य यानी इन बच्चों के सपनों को बुरी तरह से तोड़ते हैं। पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे स्कैम्स पर आप इन बच्चों के कितने साथ हैं? शो योर सपोर्ट। थैंक यू।